दोस्तों प्रतिपीरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे अलग जगह पे देख रहे होंगे, रीजन क्या है कि मुझे अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना पड़ रहा है, पर मेरे दिमाग में आपका जो इनसेम एग्जाम है पूरी तरह से है दोस्तों। और आपको लास्ट टाइम पे अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा टिप्स देने वाला हूँ जो आपको याद से एग्जाम के लिए करके जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपने फर्स्ट लेसन में अगर सब चीजों को अच्छे से किया होगा तो उसके एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट के आपको चारों रूल्स अच्छे से देख लेने चाहिए। फटाफट जाके देख लो, वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बताया। और अगर लास्ट टाइम पे अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो वन शॉट वीडियो देख लेना याद से। मैं वन शॉट वीडियो का लिंक भी लगा दे रहा हूँ, तो याद से वन शॉट वीडियो तो एटलीस्ट फर्स्ट लेसन का देख लो। बस एक घंटे का वीडियो है, फटाफट आप आराम से रिवाइज कर लोगे। अगर आपने पूरा का पूरा टॉपिक कवर भी कर लिया है, पर मेरा सजेशन ही एक बार आपको वन शॉट वीडियो देख लेना चाहिए। और दूसरी चीज, लेसन नंबर सेकंड में आपको क्या क्या लास्ट टाइम पे क्या क्या चीजें देखना चाहिए। लास्ट टाइम पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और बाद में हमें हीट फ्लो और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसे याद से आपको देख के जाना चाहिए। और रेक्टिलिनियर का जो क्वेश्चन है उसके एटलीस्ट आप स्टार्टिंग के एक स्टेप को अगर आप देख लो, कैसे मैंने सम को स्टार्ट किया वो देख लो, पर बाकी के ये तीन टॉपिक तो याद से आपको करके जाना है। और स्टार्टिंग के मॉड्यूल का भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आ रही है कि सर पेपर में हमें अगर कुछ चीजें नहीं आई तो हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो आपको एटलीस्ट वहां पे डेरिवेटिव तो आता होगा, आपने डेरिवेटिव सीखा होगा, तो नॉर्मल सा एटलीस्ट एक स्टेप पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, गिवन लिख दो। उस हिसाब से आप थोड़ी बहुत चीजें, पेपर को ब्लैंक करके मत आना, कुछ ना कुछ लिख के लेकर आना। एटलीस्ट 25 प्लस मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना। और मेरा सजेशन है कि अगर 30 पूरा अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से अच्छा है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। और वो स्टूडेंट जिन्हें पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता है, लास्ट टाइम पे उनको ही बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है, उसके अंदर हो सकते हैं 3 सब क्वेश्चन हो, और देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में से अपने को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें भी 3 सब क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट। लास्ट टाइम पे मेरे और प्रदीप सर की, और प्रदीप सर ही वीडियो बना रहे हैं। तो सो गाइस, मेरे राहुल सर ने तो बोली दिया, मेरी तरफ से भी आप सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे से पेपर लिखो। अभी अर्जेंटली हमें मुंबई की तरफ निकलना पड़ा, तो इसलिए राहुल सर ने बोला कि भाई एक वीडियो लास्ट है। और जो दूसरे यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं ऑलरेडी डिप्लोमा के भी वीडियोस आने स्टार्ट हो गए, उनके पास भी पहुंचा दो। और आज डिफरेंशियल डबल इंटीग्रल के ऊपर भी एक वीडियो आया है मुंबई यूनिवर्सिटी का, और मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज को भी वो सब है। तो गाइस चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पेपर लिख के आना, कमेंट जरूर करना कि पेपर कैसा गया। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।